बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, चोटी के नीचे है परांदा, परांदे विच दिल अटका। बहुत प्यारा गाना था। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। और जब भी भजन की बात चलती है, डिवोशनल सॉन्ग्स की बात चलती है, तो एक नाम जो हर जगह गूंजता है वो है लखबीर सिंह लखा जी, और वो है आज जॉइन फिल्म्स में हम सबके साथ, आपके साथ में। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। जय माता दी, जय माता, सत श्री अकाल। जय माता दी। कैसे हैं राठौर साहब? बहुत अच्छा हूँ लखा जी, और आज तो और ही ज्यादा आनंदित हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि यहाँ पर आज आप आए, और बहुत कुछ हमें जानने को, समझने को, सीखने को मिलेगा। लखा जी, इतने सालों से आप भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ये जो एक परंपरा चली भजन की, ये कैसे शुरुआत हो गई एकदम से? देखिए, ये परंपरा तो सदियों से चल रही है, युगों युगों से। हाँ, हमारी शुरुआत ही, हमारे देश में जो शुरुआत हुई ऋषियों मुनियों पैगंबरों अवतारों पीरों ने, संतों ने, भक्तों ने, भक्ति रस को मेन रखा, सबसे पहले भक्तों ने गाया। और अगर हम, जैसे मैंने पढ़ा है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, ब्रह्मा जी जो हैं वो कला के, संगीत के जन्मदाता हैं, जो मैंने पढ़ा है जी। ब्रह्मा जी जो थे वो कला, मतलब इतने खोजी थे वो, हमारे सबसे बड़े वैज्ञानिक ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने जड़ी बूटियां क्या है, मतलब टोटल जितनी भी चीजों का आविष्कार वो ब्रह्मा जी ने किया, उसमें कला के भी जन्मदाता वो हैं जी। और फिर नारद जी ने उनको गा के, अपनी वीणा से गा के भगवान की महिमा गाई। नारद के पास संतों ने गाया, भक्तों ने गाया, मीरा रानी ने गाया, जिसने भी गाया उसने ईश्वर को गा के ही मनाया। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो बचपन से ही, ये प्रभु ईश्वर की कृपा हुई कि हमारे घर के, जहाँ मैं रहता था उसके दाहिनी तरफ कुछ दूरी पर गुरुद्वारा साहब थे और कुछ दूरी पर राधे कृष्ण जी का मंदिर था। हमारी जो शुरुआत होती थी वो सुबह, पिताजी माताजी तो बहुत धार्मिक थे, वो गुरुद्वारा, मेरी माँ तो 4 बजे ही चल जाती थी और पिताजी सर्विस करते थे, वो जब भी उनको टाइम मिलता, अगर ए शिफ्ट ड्यूटी है तो शाम को, बी शिफ्ट ड्यूटी है तो सुबह, नाइट शिफ्ट ड्यूटी है तो वो रात में ड्यूटी करके आने के पहले गुरुद्वारा जाते थे, उसके बाद ही आके कुछ जो भी रेस्ट करते थे। तो मेरा भी देखा देखी संस्कार तो बच्चों को मिलता ही है, मैं भी देखा देखी गुरुद्वारा जाना शुरू किया। गुरुद्वारा में आस्ते आस्ते शब्द कीर्तन जैसे रागी लोग गाते थे, हमने भी कोशिश की तो लोगों को अच्छा लगा। शाम को मंदिर में बैठ गए, जाके जो भजन गाते थे उनके साथ में कोरस करते थे, गाते थे। और मैं समझता हूँ कि मेरी शुरुआत करीब 8 साल की उम्र से हुई। अच्छा, 58 का मेरा जन्म है और 65-66 तक हम इस लाइन में आ गए, गुरुद्वारा साहब में जाना, सुनना, गाना भी साथ में उनके, मंदिर में जाना, गाना भी उनके साथ में। 71 में जब बांग्लादेश बना, उस समय मैं मैट्रिक में था, पर उससे पहले मेरी मिडिल स्कूल से शुरुआत हो गई थी। लता जी का एक बहुत शानदार भजन था जी, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तो जो हमारे मिडिल स्कूल के जो टीचर सब थे, हेडमास्टर बोलते थे हम, तो उन्होंने एक दिन मेरे को कहा कि तुम इस भजन को गाओ और तुम्हारे पीछे बच्चे लोग सब गाएंगे। ओहो। तो हम लोग ने रिहर्सल की और गाया, और कंटिन्यू 2-3 साल तक मैं, जब तक मिडिल में था, शुरुआत 6 बजे स्कूल होती थी, 6:15 बजे प्रेयर होती थी, और प्रेयर में सब बच्चे लोग मेरे पास गाते थे। थोड़ा हौसला बढ़ा, मैट्रिक में आए, मैट्रिक में बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था, उसी बीच हमारे आरडी टाटा हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें मैं, टाटा कंपनी का स्कूल था, तो उसमें मैंने एक आयोजन में, मैंने स्कूल की तरफ से होते, मैंने मेरा रंग दे बसंती चोला गाया। वो मास्टर लोग और प्रिंसिपल जो इतने प्रसन्न हुए कि मतलब मेरा हौसला वो बढ़ा। फिर मैंने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया। अच्छा, मैट्रिक में रहते रहते ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया। ऑर्केस्ट्रा में मैंने फिल्मी गीत तो गाए ही, भोजपुरी गीत गाए, बंगला भी गाए, उड़िया गाए। तो मेरा नाम जमशेदपुर से निकल गया, जहाँ मेरा जन्म हुआ, अब झारखंड है, पहले बिहार था वो, टाटा स्टील का बहुत बड़ा कारखाना वहाँ। तो वहाँ से मेरा 75 से जो नाम मेरा फैला, तो बंगाल, कलकत्ता बगल में था, उड़ीसा, इधर मध्य प्रदेश, रायगढ़, राउरकेला, ये सब में अच्छा नाम मेरा हुआ। तो मेरा हौसला बढ़ा, 76-77 तक हम ऑर्केस्ट्रा में काफी नाम कमा लिए। ओके, तो मतलब लखा जी कहीं ना कहीं शुरुआत ना स्कूल में प्रार्थना से ही हुई थी। हाँ जी, है ना, और वो प्रार्थना कंटिन्यू चलती गई और हो गया। फिर मुंबई कैसे एकदम से चली? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। खाटू श्याम जी से फिर मैं, जो मेरी प्रसिद्धि हुई, तो खाटू श्याम जी का जब मैंने नाम हुआ तो दिल्ली वालों ने मुझे बुलाया। दिल्ली में ही T-सीरीज में गुलशन कुमार जी के छोटे भाई हैं दर्शन कुमार जी, जी जी, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप दिल्ली आके रिकॉर्ड कीजिए। उन्होंने सुना था आपको कहीं? नहीं, उन्होंने वो जो कैसेट
उस समय कैसेट निकलती थी खाटू श्याम जी की, वो कलकत्ता से हम लोग कराते थे पर्सनल, वो जाके हम लोग ऐसे दे देते थे, गिफ्ट कर देते थे। वो कई कैसेट उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आइए, आपको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो हमने फर्स्ट एल्बम श्याम बाबा की, खाटू श्याम जी की, चरणों में रहने दो, वो नाम भी मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, जैसे फिल्मों का नाम होते हैं तो क्यों ना हम नाम देके करें। पहले तो भक्ति गीत ऐसे आते हाँ, इस तरह से आते, कैसेट का नाम नहीं होता था। आपने टाइटल दिया? मैंने टाइटल दिया पहले। उन्होंने जो भी मेरे भजन निकाले, पहले जो यूकी कंपनी ने निकाले, उन्होंने भक्ति संगीत, लखबीर सिंह लखा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम ऐसा 7 एल्बम मैंने उनको कलकत्ता से करके दी। उन्हीं में से कहीं दर्शन कुमार जी ने सुना तो मैंने बुलाया, तो मैंने फिर टाइटल दिया चरणों में रहने दो। ये पहली एल्बम हमारी थी जो हमने वहाँ टी सीरीज में गाई और अच्छा रिस्पॉन्स मिला, दर्शकों ने बड़ा पसंद किया, आशीर्वाद भी मिला। फिर आई होली के बाद हनुमान जयंती, हनुमान जयंती आई तो उसमें मैंने उनको कहा कि मेरे पास हनुमान जी के भजन अच्छे हैं, क्योंकि मैं हरिओम शरण जी से बड़ा प्रभावित था जी। मैं एक बार बॉम्बे आया था 79 में, तो मैंने उनको सुना यहाँ, तो उन्होंने हनुमान जी के भजन अच्छे सुनाए, तो मैंने कहा कि यार लक्खा सिंह हनुमान जी के भजन गाओ। मन ने कहा, कृपा हुई, तो मैंने हनुमान जी महाराज की जयंती जो आती है अभी नवरात्र के बाद आएगी, अभी इस बार 19 को है, 19 अप्रैल को, मैंने एक भजन रिकॉर्ड किया आज हनुमान जयंती है, जो पूरे वर्ल्ड में लोगों ने सुना और बड़ा बड़े मेरे को देश विदेश से काफ़ी आशीर्वाद भी मिला, फ़ोन भी आए और गया भी मैं। उसके बाद फिर सावन की मैंने एक भोजपुरी कैसेट की, सावन में टी सीरीज में, भोली दानी की नगरिया, वो भी लोगों ने पसंद किया। फिर आई नवरात, तो मैंने कहा यार नवरात में माता के भजन क्यों ना गाया जाए। तो दर्शन जी बोले कि नहीं, आप माता जी के भजन छोड़ दीजिए, नहीं दीजिए। अब जो क्लियर बात है, उस समय मैं समझ गया कि भाई नरेंद्र चंचल जी गा ही रहे हैं इनको कंपनी में, तो हो सकता भाई, उन्होंने बोला कि नहीं आप मत गाइए, आपका श्याम बाबा ठीक है, हनुमान जी ठीक है। हमने क्या किया कि एक शेरों वाली की जय बोलो टाइटल और शिव शंकर डमरू वाले, ये मैंने वहाँ यूकी कंपनी जिसको हम पहले भी दे चुके थे उनको मैटर दिखाया, तो बोले कि हमको कर दीजिए। हमने दोनों उनको दे दिया। वो गुलशन कुमार जी कहीं सुन लिए वहाँ माता वैष्णो देवी में, ओहो, और गुलशन कुमार जी मेरे को बुलाए दिल्ली में कि आपने हमारी कंपनी में आप गा रहे हैं, आपने कैसे गा दिया। मैंने कहा सर मैंने तो इनको कहा था दर्शन जी को, उन्होंने बोला आपको जो भी गाना है आप मेरे साथ आइए और बम्बई में गाइए आगे। तब मैं बम्बई आया 95 में। ओके, उससे पहले दिल्ली से ही काम कर रहा था। हाँ, दिल्ली से काम 95 में गुलशन जी पहली बार आए और बड़ा प्रेम मुझको दिया उन्होंने, मैं उस आदमी को भूल नहीं सकता। 95 में उन्होंने अपनी देख रेख में मैया का चोला है रंगला, जो पूरा समझ लीजिए कि संगीत जगत में उन्होंने उखाड़ फुकाड़ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टीवी पे लाना और लोगों में पूरे वर्ल्ड में मतलब मैं मशहूर हुआ, मैया का चोला है रंगला। इसके बाद उनकी फिर डेथ हो गई तो मैं वापस चला गया, क्योंकि मेरी टाटा स्टील में सर्विस हो चुकी थी। बहुत दुखी हुआ मैं जब मैं वहाँ चला गया। तो फिर 98 में मेरी टी सीरीज वालों ने मेरे को फ़ोन किया कि आप यहाँ पर चले आइए, आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा। तो 98 में मैंने आके यहाँ पर प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी इसको गाया, बेटा बुलाए, मेरी माँ के लिए माला पिरो दे अजब निराली, माँ की चिट्ठी आई, मतलब माता के भजन काफ़ी मैंने जो है वो बहुत गवाया माँ ने मुझसे। भोलेनाथ के भजन गाए, बजरंग बली के बहुत सारे भजन गाए, श्याम बाबा के बहुत सारे, मतलब जो भी कवालियाँ गाई ख्वाजा गरीब नवाज की, पंजाबी गीत गाए। और उसके बाद में फिर इन्होंने मैं फिर यहीं से शिफ्ट हो गया। लखा जी आप भी इतने भक्ति वाले हैं, श्रद्धा वाले हैं, और गुलशन जी भी उतने ही थे। हाँ, उनका भी भक्ति भाव बहुत ज़्यादा विशेष जानता, भक्ति भाव भक्ति भजन जो है वो गुलशन कुमार की देन है। तो मैं ही आपसे जानना चाहता हूँ कि जब उन्होंने आपके भजन सुने, आपकी आवाज़ सुनी, आपकी गायकी सुनी, आपकी अदायगी सुनी, उनका पहला कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला था? मैंने आपको बताया ना कि जब मेरे को दिल्ली में उन्होंने ऑफिस में बुलाया कि आपने इतना अच्छा मैटर था, आप हमारी कंपनी के में गा रहे हैं तो आपने कैसे गा दिया, तो आपने अभी कहीं बाहर नहीं गाना है, आपको यहीं गाना है इतना। हाँ, ये आपकी कंपनी है, आपकी अपनी कंपनी है, जो आपको गाइए जैसा भी गाइए। अच्छा, पूरा आप पे छोड़ दिया? मेरे पर छोड़ दिया और मैं यहाँ फ्री था बिल्कुल। ओके, बल्कि यहाँ मैंने आके देखा कि रिकॉर्डिंग 10 बजे सुबह से शुरू होती थी और शाम तक लोग अपने अपने घरों में चल जाते थे,
उन्होंने मेरी बात मानी, मैं रात में रिकॉर्डिंग करता था 10 बजे और सुबह 5 बजे घर जाता था। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं टाटा स्टील में सर्विस करता था तो रात ड्यूटी करनी पड़ती थी। हाँ। अब जो रात में खुल के मैं गा सकता था, हाँ। वो दिन में मेरे से होता नहीं था। अच्छा, ड्यूटी से आदत लगी। तो मैंने उनको कहा कि भाई, वो बोले कि यार इसमें तो खर्चा बहुत ज्यादा, ओवर टाइम देना पड़ेगा। हम बोला आप जैसा आपको अच्छा लगे देख लीजिए, पर मैं रिकॉर्डिंग, अभी दादा भी बैठे, नटराजी बैठे, इनसे पूछ लीजिए। इससे पहले ये लोग 5 बजे घर चल जाते थे, 6 बजे घर चल जाते थे, मैक्सिमम 8 बजे। हम 9 बजे, 9:30, 10 बजे रिकॉर्डिंग शुरू करते और एक ही रात में 8 गाना। एक ही रात में 8 गाने कंप्लीट करके सुबह घर। क्या बात है, क्या बात है, ये भगवान की कृपा रही बस। और तो नटराज जी का जिक्र किया लखा जी ने, उनका वीडियो आपने देखा ही नहीं, देखा है तो मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। लखा जी, आपने इतने सारे भजन गा लिए कि आपको याद है कितने हैं नंबर्स में? नहीं, ये तो मेरे को अब याद नहीं, क्योंकि मैं खुद भूल जाता हूँ। मेरे पास पूरा इतना बड़ा VIP बैग है और उसमें कम से कम मैं समझता हूँ कि 30-35 हज़ार भजन होंगे। अब क्या गाया अभी तक वो भी मुझे पता नहीं चलता। मैं कभी कभी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनता तो ये मैं सोचता हूँ कब गाया ये। अच्छा, इतना गा लिया कि वो भूल ही गए। दो चार भजन मैंने मंगाए मैंने अभी, हाँ। व्हाट्सएप से कि भैया ये वाला भजन मेरे को भेजो, मेरे ही है। हाँ, मेरे ही है। कब गाया मेरे को पता नहीं चला। और अभी मैं खाटू श्याम जी गया था तो एक भजन मैंने वहाँ सुना, वो मैंने उनको कहा यार ये कब का है रिकॉर्डिंग, तो पता नहीं चला। मैं बोला व्हाट्सएप करके मैं मंगा लिया उसको। तो काम करो, इतना करो, इतना डूब के करो कि खुद ही भूल जाओ कितना काम किया। बहुत बड़ी कृपा रही, बड़ी कृपा। लोगों ने बड़ा पसंद किया बस, मेन तो ये, मेन तो बात ये। तो लोगों ने जो आपको भजन में बहुत ज्यादा पसंद किया और आपने उसी जोनर को इतना ज्यादा किया और इतने साल तक लगातार करना आसान काम नहीं है, इतना लंबी पारी कोई भी नहीं कर, और इतने नंबर्स के साथ। नहीं तो नॉर्मली होता ही है कि 10, 12, 20, 25, 30 भजन गा लिए और वही होता है, बट आपने इतने गा लिए कि आपको याद नहीं है। इस जो गायकी में, जो भजन गायकी में आप जो अदायगी लाते हैं, जो भक्ति भाव लाते हैं, क्या उसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन करते हैं? मेरा तो कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है। अगर मैं सच कहूँगा आपको तो मुझे कुछ नहीं आता। मैं केवल दिमाग में रखता हूँ कि मैं किसको गा रहा हूँ, माता को गा रहा हूँ तो उनके चरणों में ध्यान जोड़ देता हूँ, पूरा सरेंडर कर देता हूँ। बोले ना, पूरा सरेंडर। तो जितने भी ईश्वर को आप लोग जानते हैं, मानते हैं, उन सभी के भजन इन्होंने गा लिए हैं और गाते जा रहे हैं, लगातार गाते जा रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि लखबीर सिंह लखा एक पॉपुलर सिंगर हैं, भजन गायक हैं, देश विदेश में इनकी चर्चा होती है, लेकिन आपकी नज़र में आप स्वयं लखबीर सिंह लखा कौन है, क्या है? बस मैं तो समझ लो कि बस गुरु दरबार का, माँ के दरबार का, बाबा के दरबार का चाकर हूँ बस, मुझे और कुछ आता नहीं। जो पता नहीं उनकी कृपा होती है और मैं गाता हूँ। मैं खुद नहीं गाता और ना ही मुझे पता है कि कहाँ से सा लगेगा, कहाँ से रे लगेगा, कहाँ से गा लगेगा, और ये सब उनकी कृपा है, बस वही गवाते हैं और मैं गा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे गायकी में आने से पहले आप किस प्रोफेशन में थे टाटा में? मेरे पिताजी वहाँ द टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सर्विस करते थे। तो मेरी भी सर्विस करने की इच्छा थी। जब वो रिटायर हुए तो मेरा उसमें नंबर आने वाला था, पर मैंने जब उनको काम करते देखा तो मैंने कहा भैया मैं इस कंपनी में काम नहीं करूँगा। टफ जॉब था। हाँ, बहुत टफ जॉब था। मैं बोला मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा। वो क्या हुआ कि हमारे यहाँ टाटा स्टील, जब मैं फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ, तो टाटा स्टील के कुछ कार्यक्रम मुझको मिले, उनमें मिस्टर नरेंद्र सॉरी मिस्टर रूसी मोदी थे, वो चेयरमैन थे टाटा स्टील के उस समय, ये 81 जनवरी को, पूरा विशाल उनका ये था, बैंगलो था और उसमें लॉन था पूरा हरा रंग का, उसमें वहाँ स्टेज बनाते थे। तो वहाँ हमारी तो कोई पूछ थी नहीं, लेकिन हमको जो हमारे जो कुछ बिहारी अफसर थे वो अच्छा लाइक करते थे, वो मुझको ले गए। तो मैंने वहाँ केवल 2 लाइनें ही गाई और पूरा ताकत लगा के गाई कि शहरों में एक शहर है सुंदर, नाम है जिसका टाटा, एक यहाँ है मिस्टर मोदी मजदूरों के दाता, दिल के हैं ये बड़े दयालु यारों के है यार, सब कोई टाटा की भाई बोलो जय जयकार। वो मोदी साहब इतना खुश हुए कि बोले कि मैन आप क्या करता, पारसी थे, मैं बोले सर कुछ नहीं करता, तो पता नहीं कोई इशारा किए और वो मेरे को बिना विदाउट मेडिकल, विदाउट कोई कागज पत्तर, मेरी 81 नवंबर में सर्विस हो गई टाटा स्टील में। ओके, मैं समझता हूँ ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। मतलब इसी गायकी ने आपको जॉब भी दिलवाया, लोग जॉब के लिए परेशान होते हैं। बिल्कुल, और ऐसी जॉब कि टाटा स्टील अगर मुझे अभी भी बोलेगी तो मैं अभी भी झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूँ। इतना सम्मान है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। टाटा स्टील ने मेरी उस समय बांह पकड़ी जब मेरा कोई नहीं था वहाँ। अभी भी मेरे दिल में कि जब भी कभी टाटा स्टील का कोई भी कार्यक्रम हो मैं जरूर जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत उन्होंने मान भी दिया, सम्मान भी दिया, सब कुछ दिया, एवरीथिंग। कुछ गलतियाँ तो हर आदमी में होती हैं, मेरे में भी थी और उसका मुझे परिणाम भी भुगतना पड़ा। और
चलिए फिर जैसा है कि एक मालिक एक रास्ता बंद करता है तो 10 द्वार खोल देता है। जब गुलशन कुमार जी से मेरी मुलाकात होगी तो सारे रास्ते खुल गए, फिर तो रास्ते बड़े भी हो गए, बड़े हो गए रास्ते। ओके, अभी आपने एक फिल्म भी बनाई है जी, उसके बारे में कुछ बताइए। अब फिल्म मैंने नहीं बनाई, फिल्म बनाई है खन्ना मूवीज। ओके, और हमने हमारे दोस्त हैं यहाँ दुर्गा जी, दुर्गा नटराज, जो हमारे शुरुआती के दिनों में जो हमारे बहुत करीब रहे और जिनसे हमारा अच्छा तालमेल मिला, और हमने सारी करीब करीब जितनी भी एल्बम्स थी, जितने भी गीत थे, सब दुर्गा नटराज ने ही उनका म्यूजिक बनाया। जी जी जी। आजकल नटराज जी केवल म्यूजिक में है और दुर्गा जी फिल्में बनाते हैं, भोजपुरी फिल्में, राइट, प्रोडक्शन में। तो मैंने उनको उनसे राय ली कि हमारे कुछ जानने वाले हैं, वो माता पूर्णागिरी का स्थान है उत्तराखंड में, और ये है टनकपुर स्टेशन है, देहरादून से हम लोग आते हैं टनकपुर स्टेशन पे, पहाड़ के ऊपर माता पूर्णागिरी का दरबार है, उस तरफ शारदा नदी है और इस तरफ अपना भारतवर्ष है, ऊपर पहाड़ पे माता पूर्णागिरी है। मैं दर्शन करके आया और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं पहले तो कहानी बनवाऊंगा। कहानी बनवा के मैंने दुर्गा जी से डिस्कस की, तो डिस्कस करने के बाद मेरा छोटा बेटा जो है उसमें उसको मैंने लीड रोल दिया, गजेंद्र जी चौहान जो हैं वो उनके पिताजी का रोल कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, और नीलोफर जी हैं वो उनकी माता जी का रोल कर रही हैं, जयश्री टी जी हैं वो उनकी दादी का रोल कर रही हैं, और दादाजी भी फिल्मी कलाकार हैं, नाम नहीं मेरे को मालूम है। और ये कहानी बड़ी सामाजिक और धार्मिक पिक्चर है, मतलब ईश्वर को जोड़ने, ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए हमने ये प्रयास किया है, कि क्योंकि हम, मैं देख रहा हूँ अपने जीवन में कि हम थोड़ा धर्म से पिछड़ते जा रहे हैं, जी जी, पश्चिमी सभ्यता हम पर ज़्यादा हावी हो रही है, पर मैं सोचता हूँ कि हमारा देश ऐसा महान देश है कि यहाँ जिन्होंने भी जो भी पाया, जो कुछ भी पाया, वो भक्ति के जरिए पाया। आप अपने काम कीजिए, जरूर कीजिए, हम इससे इनकार नहीं करते, आप पारिवारिक जिम्मेवारियाँ निभाइए, सामाजिक जिम्मेवारियाँ निभाइए, पर ईश्वर को जरूर याद रखिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने यही कहा है। तो मैंने बहुत दिनों से देखा कोई हिंदी फिल्म धार्मिक पिक्चर नहीं आ रही है, 40 साल 45 साल हो गए, वो जय संतोषी माँ भाई आई थी लास्ट, तो मैंने उनको कहा ठीक है भाई मैं जो हो सकेगा मेरे से मैं करूँगा, और उसमें मैंने खुद रोल भी किया। अच्छा, माँ का एक बहुत शानदार भजन है माँ पूर्णागिरी के ऊपर में, वो मैंने लाइव जागरण एज ए जागरण उसको फिल्म परफॉर्म किया, हाँ परफॉर्म किया, और एक उसमें सूफी भजन है माँ का। अच्छा, हाँ सूफी तो बहुत सारे लोग गाते हैं, अच्छा गाते हैं, वो मैंने पहली बार कोशिश की और उसका अच्छा रिस्पांस मुझे मिला, लोगों के बड़े फोन आ रहे मेरे पास कि बहुत अच्छा है। तो आप नए नए एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। हाँ मैं एक्चुअली क्या है कि देखिए मैं शुरू से मेरी एक आदत रही है राठौर जी कि मैं वो चीज़ गाऊं जो मेरी समझ में पहले आए। जी जी जी। गाने का क्या मतलब है, गाने के क्या बोल हैं, वो भाव तो अपने अंदर से फूटते हैं, या प्रभु की इच्छा होती है तो भाव फूटते हैं। आप सुनिएगा उस भजन को, बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छा हुआ है, फिल्म अच्छी बनी है। मैं तो दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि एक बार जरूर देखें। कब रिलीज हो रही है वो? 12 अप्रैल को। तो आप लोग जरूर देखें, एक बार देखें उसको, और मेरा हौसला बढ़ेगा इसमें, ताकि मैं धर्म से आपको भी जोड़ू, खुद को भी जोड़ के रखूं। तो जिस तरह से लक्खा जी ने इतने सारे भजन गाए, अब फिल्म भी बनाई है, धार्मिक बनाई है, तो आपने उनके भजनों को पसंद किया है, तो इस फिल्म को भी जरूर देखिएगा, पसंद कीजिएगा। और दूसरी एक चीज़ और बताइए, आप मुंबई शहर में आप आए हैं और आज आप सब काम कर रहे हैं, मुंबई शहर ने आपको क्या सिखाया और आपको क्या बताता है ये शहर? देखिए ये माँ लक्ष्मी का स्थान है, ये जी माता लक्ष्मी का स्थान है, और वीरों की, ये वीरों की भूमि है, वीर शिवाजी की भूमि है ये। यहाँ कला, इस धरती पे कला जो है वो जर्रे जर्रे में बिखरी पड़ी है, बस उठाने वाला चाहिए। और आपका जज्बा, आपका टैलेंट है। बिल्कुल। ओके लखबीर जी, भजन तो आपने गाए गए, साथ में फिल्मों में भी आपने गाने गाए, उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये भी गुलशन कुमार की देन है। अच्छा। उन्होंने मेरे को सबसे पहले जो है वो गवाया, मैं नहीं गा रहा था, मैंने कहा कि देखिए मैं ये सब नहीं गा सकता हूँ, बोले कि नहीं आपको गाना है और तुम्हारे साथ में अनुराधा मैडम गाएंगी। अच्छा। वो लोगों को नहीं पता, आज तक नहीं पता चला कि वो गाना मैंने गाया। सुनो। हाँ बिल्कुल। वो मैडम जी ने और मैंने गाया, अनुराधा जी ने और मैंने, बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, चोटी के नीचे है परांदा, परांदे विच दिल अटका। बहुत प्यारा गाना था ये कई साल तक लोग समझ नहीं सके कि गाना काफी हिट गाना है। हाँ हिट। उस एल्बम में जो गुलशन जी ने करवाई थी, उस एल्बम का नाम था पगला कहीं का। उसमें फिल्म इंडस्ट्री के सारे बड़े सिंगरों ने गाया, उदित नारायण जी ने गाया, सोनू निगम जी ने गाया, हरिहरन जी ने गाया, एम एम करीम ने गाया,
एक कोई जोजो थे वहाँ, जोजो हाँ, जोजो भी उन्होंने गाया, मैंने गाया, मैडम ने गाया, और एक दो सिंगर कौन थे मेरे को नॉलेज है, और सबसे ज्यादा गाना लोगों को यही पसंद। मतलब आज जैसे ही दोहराया इन्होंने, मैं अभी जोड़ के नहीं देख पा रहा था कि आपने ही गाया, लेकिन आपने ही गाया। चलिए इसको मैंने गा दिया। हाँ। फिर गुलशन ने मेरे को कहा एक फिल्मी गीत के लिए तुम बम्बई आओ, तो मैं किसी कार्यक्रम में फंसा हुआ था, नहीं तो मेरा गाना था वो सोनू निगम जी के साथ, वो बाद में अल्ताफ राजा एक सिंगर है उन्होंने गाया। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, ये था। तो मैं आज मैं बम्बई आ नहीं सका, मैं उस समय यहाँ बसा नहीं था, मैं दिल्ली में इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। फिर एक मौका मेरे हाथ से और गया, ये मौका मुझे लक्ष्मीकांत जी ने दिया था। लीजेंड, क्या इंसान थे वो लक्ष्मीकांत जी। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और अपने बैंगलोर पे बुलाया, यहाँ पारस बनी में। तो मैं उनको मिल के आया महबूब स्टूडियो में। उस बीच मैं एक अपने दोस्त का भी जिक्र कर देता हूँ, मोहम्मद अजीज, वो हमारे साथ एक साथ हम लोग कई कार्यक्रम किए और मरते मरते बचे। एक बार एक्सीडेंट में जीप उलट गई थी, तो मेरा उससे बहुत प्रेम हो गया। जब वो आया यहाँ पर, तो मैं उनको सुनने के लिए गया महबूब स्टूडियो, तो वहाँ लक्ष्मीकांत जी से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने कहा कि सर आप मेरी भी आवाज़ सुनिए, तो बोले कि यहाँ तो मैं नहीं सुन सकता, आप ऐसा करो मेरे बंगले पे हो। मैं बोला सर बंगले पे कौन घुसने देगा मुझे। बोला आप आना, और बोला पापा जी आए हैं, वॉचमैन को बोलना। हम डरते डरते गए शाम के टाइम, तो हमने कहा वॉचमैन को आगे लक्ष्मीकांत जी को बोलो पापा जी। बोला हाँ आप ही का वेट कर रहे हैं, आइए। कोड वर्ड था ये। अंदर गए और उन्होंने फर्स्ट क्लास माता की मूर्ति लगी हुई सरस्वती माँ की, और ऐसा मेज पे मेरे को बैठाया, बोला सुनाइए। तो मैंने उनको जो भी मेरे को आता था, पंजाबी सुनाया, हिंदी सुनाया। कुछ याद है क्या सुनाया? उनको मैंने सुनाया था, वो एक पंजाबी गीत सुनाया था, उसमें बहुत गाता था, तो वो काफी ऊंचा स्केल था। ओ ठठ मारदा चनाज बेलिए खुदा रब्बा यार नू मणा फरमाउंदी, सोनी वास्ते कड़े दे अग्गे पाओ। ए सोनी महिवाल का भजन था, गाना था। हाँ। सोनी महिवाल जो आशिक हुए हैं उनका। हाँ। गाना था वो बहुत। तो पहले तो वो उनका पूरा रूम गूंज गया। हाँ। तो बोले कि सदा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं बोला जमशेदपुर से, टाटा नगर से। बोला अच्छा ठीक है, आप कल मिलो महबूब स्टूडियो में। उन्होंने मेरे को, फिरोज खान की फिल्म आ रही थी दयावान, हाँ, उसमें एक गाना उन्होंने मेरे लिए सिलेक्ट किया, और बकायदा वहाँ मेरे को उन्होंने गा के सुनाया। गाते भी बहुत अच्छा थे वो, जी जी। गा के सुनाया वो, आज फिर ऐसा ऐसा था वो। बाद में पता नहीं शायद पंकज उदास जी ने गाया कि मनोहर दास जी ने गाया। उस बीच में मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया आ रहे में। हाँ, मैं जमशेदपुर उसी दिन रात में उनको गाना सुना के, और सुबह ही गीतांजलि पढ़ के वापस जमशेदपुर चला गया। तो गाना बीच में रह गया। कई सालों के बाद मैं आया, 4-5 साल के बाद, तो मेरे को बहुत डांटे हो। बोले सरदार तू कैसा आदमी है, तेरे लिए इतना अच्छा मौका था। मैंने कहा सर वो क्या जब संजोग होगा तभी होगा। फिर उनसे मेरी मुलाकात नहीं, फिर गुलशन जी से मेरी मुलाकात हुई, और फिर भक्ति संगीत नहीं। एक फिल्म में मैंने और गया, फिल्म थी यमराज, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ। तो वो भी गाना मैंने जब सुना, तो मैंने कहा कि भैया हम ये सब गाना नहीं गाएंगे। बोले नहीं नहीं इसको गा दो तुम, ये हमारी पिक्चर तो नहीं है लेकिन तुम्हारा नाम होगा। बस वो लास्ट गाना था। उसके बाद हमने दुर्गा जी ने गवाया, नटराज जी ने गवाया मेरे को। वो तो बैकग्राउंड गाना था, और ये टाइटल सॉन्ग था, बैकग्राउंड था। लेकिन ये जो गाना था ये फिल्माया गया था जैकी श्रॉफ जी पर, और इसको मैंने और जसविंदर नौरलावड़ी अच्छी सिंगर है उन्होंने गाया था। वो गाया था, वो भी वैसा ही है बस। हाय हाय मेरे दिल दी गुल्ली मार गई तू टुल्ला, हाय हाय मेरे दिल दी गुल्ली मार गई तू टुल्ला, ऐसा टुल्ला मारा तूने हो गया हल्ला गुल्ला, ओए बल्ले बल्ले हो गई। क्या बात है। ये गाना था पर इसके बाद मैंने कहा कि भाई ये सब हम नहीं गाएंगे। एक गाना इन्होंने मेरा और मेरे लिए चुना था, पर उसमें भी मैं वो गाना तो बहुत शानदार था, तो मैंने खुद ही रिक्वेस्ट की कि भाई ये गाना आप। लेकिन ये बात सही है रखा जी कि आपने जितने भी अभी फिल्मी गाने बताए उसमें आपकी जो पहचान है, आपका जो स्टाइल है वो झलक रहा है। लेकिन आपको फिर भक्ति संगीत में ज्यादा आनंद मिला? ज्यादा भक्ति संगीत तो मेरे शुरू धार्मिक, मेरे को पारिवारिक संस्कार मिले। और मैं अभी भी देखिए, मैं ये अब क्या है इसको गुप्त रखना चाहिए, मैं अभी भी सुबह जब उठता हूँ तो मैं गुरबाणी का पाठ करता हूँ, देवी देवताओं को मनाता हूँ, उसके बाद ही कोई काम करता हूँ। अच्छा जी, अभी किस एल्बम की तैयारी चल रही है? अभी मेरी एल्बम की तैयारी है, अभी नवरात्र 6 तारीख से आ रहे हैं, आज ही मैंने नटराज से बात की। हाँ। और अभी जाके हम बैठेंगे भी। हाँ। उसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं दर्शकों को, सुनने वालों को माता की 4-5 भेंटें जो बहुत अच्छी अभी चुनी है मैंने। हाँ। और बजरंगबली महाराज का
जयंती पे दो तीन बजरंग बली के भजन दर्शकों तक सुनने वालों तक पहुंचाने की मेरी इच्छा है। उसमें से कुछ दो लाइनें अभी उनको एक जा सकती हैं ताकि वो उनका इंतजार और उसमें बहुत अभी मैंने चुने हैं दो भजन। वो एक बहुत पुरानी फिल्म का कोई गाना था उसमें मेरे पास एक भजन आया है नवराताई 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 दर्शन की है भीड़ भवन पे दर्शन की है भीड़ भवन पे रुत बसंती है छाई नवराताई नवराता। एक तो ये बहुत बहुत कमाल और एक है माँ शेरा वाली के भक्तो आते जब नवराते माँ शेरा वाली के भक्तो आते जब नवराते कोई लाल ध्वजा ले आता है कोई नंगे पैरों आता है कोई चुनड़ी लाल चुड़ाता है जगह जगह पे भक्तों माता के होते जगराते ऐसा करके है कुछ तो अब आप लोग के लिए सब कुछ तैयार करके उन्होंने पहले से रख लिया और जब आप नवरात्रे में जाएंगे उससे पहले ये भजन आपको मिल जाएंगे आप उनको गुनगुनाइएगा दोहराइएगा और भक्ति के सागर में हमेशा डूबे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी बातचीत हुई। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं जी जॉइन फिल्म्स की सारे स्टाफ को कि आप ऐसी अच्छी अच्छी बातें अच्छी अच्छी खबरें दर्शकों तक फैलाएं जी ताकि लोगों में धर्म मजबूत हो ज्ञान हो धर्म का ज्ञान हो कि हम क्या है हमारा देश क्या है जी जी हमारी संस्कृति क्या है हम सब कुछ करें। बिल्कुल सर यही कोशिश है कि सारी अच्छी बातें सब लोगों तक पहुंचे और इस तरह से आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो ये जो झंडा है ये और ऊंचा होगा और तगड़ा होगा। तो लक्खा जी की बातों को मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ आपके समझने के लिए क्योंकि आप इस बातों में खो गए होंगे कि आप जहां पर भी रहते हैं वहां से शुरुआत कर दीजिए आपको जब भी मौका मिलता है शुरुआत कर दी जैसे उनको स्कूल में प्रार्थना करने का मौका मिला उन्होंने शुरू कर दिया उसके बाद ऑर्केस्ट्रा में मौका मिला वहां पर गाना शुरू कर दिया उसके बाद जब जब भी जहां जहां पर भी मौके मिले जिस भाषा में मौके मिले वो उन्होंने गाने गाने शुरू कर दिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उन मौकों को समझिए। देखिए ये मौके ही एक दूसरे मौके को लेकर आपके सामने आएंगे कभी घबराइए मत उतार चढ़ाव आते रहेंगे लेकिन आपकी नज़र अगर आगे है तो आपको आगे मौके ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि आज भी वो उन लोगों को नहीं भूलें जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी चाहे वो गुलशन जी हों चाहे वो टाटा कंपनी हो चाहे वहाँ के लोग हों तो उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो राइटर बनना चाहते हो फिल्म मेकर बनना चाहते हो सिंगर बनना चाहते हो आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात कि जो भी गाइए पूरे मन से गाइए सरेंडर करके गाइए दिल से गाइए दिल तक जरूर पहुंचेगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए जमे रहिए ऑल द वेरी बेस्ट। I will join Filmy someday.